Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Karna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss another topic on research methodology, that is formulating research hypothesis. Prior to this, I have already discussed with you how to define your research problem. And in continuation of that very lecture, this is another lecture, that is how do you formulate, how have you to formulate research hypothesis in your research work. So let's start hypothesis. देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत प्रचलन में लाते हैं और शायद बहुत बार हम इसका सही अर्थ नहीं समझते लेकिन हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना, जानते बहुत नहीं है बेहतर लेकिन बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं. तो क्या है हाइपोथेसिस? देखिए बहुत मतलब समझने के लिए बहुत इसमें ट्रिकी है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो. हाइपो वैसे तो मैं अभी आपको बताऊंगी लेकिन हाइपो माने क्या होता है, हाइपर माने क्या होता है, हाइपर माने ज्यादा, हाइपो मीन्स कम, है ना. जैसे कोई भी हाइपो सिक्रीशन यानी कि कम सिक्रीट हो रही है कोई चीज, हाइपर सिक्रीशन, है ना, हाइपो हाइपर एक्टिव, हाइपो एक्टिव, इस तरह से हाइपो मतलब कम है. तो आप मोटा मोटा ही यही समझ सकते हैं कि ये थीसिस से कुछ कम है. थीसिस आपकी थीसिस बन गई है, थीसिस आपने बना दिया है, निकाल दिया है आपने कुछ ना कुछ सोल्यूशन. हाइपोथीसिस आप ऐसे समझ सकते हैं कुछ कम. अब कुछ कम क्या, कुछ कम सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं, कुछ कम सत्यता के साथ कह रहे हैं, वो बात थीसिस से पहले. और आप रिसर्च वर्क में करेंगे क्या, इसी जो कम सत्यता वाली बात है, जो आपका हंच है, जो आपका गैस है, जो आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, उसी को आप प्रूफ करते हैं, उसी को आप नल हाइपोथेसिस की अगर बात करें तो रिजेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करने में असफल होते हैं, है ना. तो जो इसका लिटरेचर है, जो लिखा रहता है किताबों में, वहां से शुरू करते हैं कि इन कंडक्टिंग रिसर्च द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाइपोथेसिस. की जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है कि हम एक रिसर्च प्रॉब्लम बनाएं और उसी के साथ एक हाइपोथेसिस का भी निर्माण करें, परिकल्पना का भी निर्माण करें. ए हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन, मतलब सामान्यीकरण, एक सामान्य बात आप कह रहे हैं, टेंटेटिव यानी कि मतलब आपने बता दिया है कि ऐसा हो सकता है, टेंटेटिव है, जरूरी नहीं है कि सही हो, बट आप इसको टेस्ट करके बताएंगे. द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड, जिसकी सत्यता की जांच करना अभी शेष है. हाइपोथेसिस इनेबल टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी, सजेस्टिंग न्यू वंस एंड हेल्पिंग टू डिस्क्राइब सोशल फिनोमेना विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. हाइपोथेसिस मतलब आपको इस योग्य बनाता है कि हम जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनका परीक्षण कर सकें, कुछ नया सजेस्ट कर सकें और कुछ सोशल फिनोमेना को कुछ निश्चितता के साथ, कुछ निश्चितता की किसी सीमा के साथ वर्णन कर सकें. अब यही बात आ रही है निकल के जो मैंने पहले आपसे कही कि हाइपो मीन्स लेसर और लेस एक्सटेंट और सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन. सब्जेक्ट वेरिफिकेशन है, इसकी सत्यता की जांच होनी अभी शेष है. एंड थीसिस मीन्स ए स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम. थीसिस का अर्थ तो यही है कि आपने सॉल्यूशन निकाल दिया है प्रॉब्लम का. द वर्ड मीनिंग ऑफ द टर्म हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट. तो इसका वर्ड मीनिंग क्या हो गया कि परिकल्पना कुछ और नहीं है बल्कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आपकी समस्या का ये समाधान हो सकता है. हाइपोथेसिस ऑफर्स अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. हम समस्या का एक समाधान प्रस्तुत करते हैं कि भाई हमको ऐसा लग रहा है, ये हो सकता है, दैट इज टू बी वेरीफाइड, इसको कि हमको जांचना होगा इंपीरिकली, मतलब हम खुद ज्ञान इंद्रियों से और करके देखेंगे और जानेंगे कि ये सही है कि नहीं, एंड बेस्ड ऑन सम रैशनल, और उसके पीछे कोई तार्किकता होनी चाहिए. ऐसी हवा में आप इसको टेस्ट नहीं करेंगे, है ना. अगर इसकी कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो ए हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन, द वैलिडिटी ऑफ व्हिच रिमेन्स टू बी टेस्टेड. बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है, लंडबर्ज की डेफिनेशन है ये. इन इट्स मोस्ट एलिमेंट्री स्टेज द हाइपोथेसिस मे बी एनी हंच, गेस एंड इमेजिनेटिव आइडिया व्हिच बिकम्स द बेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. अगर इसकी मतलब एलिमेंट्री स्टेज की बात करें, मतलब एकदम शुरुआती दौर में हाइपोथेसिस क्या है कि आपका दिमाग का कोई हंच है, आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, आप गेस कर रहे हैं या आपने इमेजिनेशन किया है कि ये हो सकता है, जो आप हाइपोथेसिस जिसके पर बेस्ड हाइपोथेसिस बनाएंगे और वही आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आधार बनता है. इट इज अ श्रूड गेस, मतलब एक चालाकी से किया हुआ गेस, ऐसे ही नहीं बस बैठे बैठे आपने कुछ बोल दिया, अपनी चालाकी से आपने कुछ उसमें रैशनैलिटी लगाई है, कुछ लॉजिक लगाया है, कुछ आपका ऑब्जर्वेशन काम किया है, कुछ आपका एक्सपीरियंस ने आपको हेल्प की है कि आप इस तरीके का कोई गेस या इन्फरेंस, इन्फरेंस मीन्स प्रेडिक्शन यानी कि बाद में जो होने वाला है उसकी भविष्यवाणी सॉर्ट ऑफ
आपने की है दैट इज फॉर्म्यूलेटेड एंड प्रोविजनली अडॉप्टेड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फैक्ट्स और कंडीशंस एंड टू गाइड इन द फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ये जॉन डब्ल्यू बेस्ट की ने अपनी डेफिनेशन में कहा है. हम सभी अगर एजुकेशन के डिसाइपल हैं तो हम लोगों ने जॉन डब्ल्यू बेस्ट की किताब जरूर पढ़ी और पढ़ाई होगी. और कर्लिंगर की भी किताब बहुत अच्छी है रिसर्च मेथोडोलॉजी की. ये कहते हैं कि हाइपोथेसिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल मैन हैज इन्वेंटेड टू अचीव डिपेंडेबल नॉलेज. ये कह रहे हैं कि परिकल्पना एक सबसे इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा उपकरण है जिसका मनुष्य ने आविष्कार किया है जिससे कि वो डिपेंडेबल नॉलेज को अचीव कर सका. यानी कि ये टूल, यानी कि वो हर बार सोचे सोल्यूशन कि ये हो सकता है, फिर उसको टेस्ट करके जान ले. अगर टेस्ट से सही आ रहा है इसका मतलब कि आपने जो सोचा था वो सही है. फिर बात आती है वो जिसके लिए की बात की जा रही है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना निर्माण. कैसे करें परिकल्पना निर्माण? तो सबसे पहले परिकल्पना निर्माण की आप समझ सकते हैं कि क्या आवश्यकता है या सम कुछ समथिंग लाइक दैट. तो इट गिव्स अ डेफिनेट पॉइंट टू द इंक्वायरी. जांच को एक डेफिनेट पॉइंट देता है हाइपोथेसिस की, भाई इन वेरिएबल्स के बीच में हमने ये संबंध हमने गेस किया है कि हो सकता है तो हम इसी दिशा में काम करेंगे. हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द डायरेक्शन इन विच टू प्रोसीड. यानी कि वो दिशा को, जिस दिशा में आपको आगे बढ़ना है उसके निर्माण में सहायता करता है. एंड हेल्प्स टू डीलिमिट द फील्ड ऑफ इंक्वायरी. जब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे ये तय हो गया तो बाकी सब दिशाओं में आगे नहीं बढ़ना है, ये भी तो तय हुआ ना, तो आपकी फील्ड ऑफ इंक्वायरी डीलिमिट हो गई कि आपको इसके इतर काम नहीं करना है. बाय चूजिंग द पर्टिनेंट पॉइंट ऑन विच टू कंसेंट्रेट. जिससे आपको ये सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया कि आपको इन्हीं बिंदुओं पर कंसेंट्रेट होकर काम करना है. फिर अ रिसर्चर शुड कंसिडर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स इन ट्रू एंड साइंटिफिक स्पिरिट व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस. रिसर्चर क्या करेगा कि जितने भी, मतलब जो भी उसको परिकल्पना का जब परीक्षण करेगा तो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हें सबका ट्रू और साइंटिफिक स्पिरिट में ऑब्जर्वेशन करेगा, उनका ध्यान रखेगा. और थ्रू द रिसर्चर्स रीजनिंग इनसाइट एंड लॉजिकल डेराइवेशंस फ्रॉम ए थ्योरी द हाइपोथेसिस कैन बी फॉर्मुलेटेड. कैसे बनाई जाती है? जो अनुसंधान करता है उसने कुछ तो तार्किकता लगाई होगी, कुछ उसकी तार्किक अंतर्दृष्टि होगी उसके पास उससे, और जो कुछ भी उसने थ्योरीज पढ़ी है उसका कुछ उसने तार्किक डेरिवेशन व्युत्पन्न निकाला होगा, उनसे ही परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है. टेस्टेड हाइपोथेसिस इफ फाउंड एक्सेप्टेबल बिकम्स फैक्ट्स एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ नॉलेज. जो परिकल्पना का आपने परीक्षण कर लिया, अगर आपने उसको स्वीकार या पाया तो वही तथ्य बन जाता है और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका हिस्सा बन जाता है. यानी कि नॉलेज बेस में आप एडिशन कर सकते हैं इस तरीके से. फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की कौन कौन सी विधियां हो सकती है? तो क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड, दो मेन मेथड. अब मिक्स मेथड की भी बात हो रही है. तो क्वालिटेटिव मेथड यानी कि गुणात्मक तरीका. तो गुणात्मक तरीका में आप क्या करेंगे? द रिसर्चर यूजेस क्वेश्चंस नॉट हाइपोथेसिस. जनरल ट्रेंड है, पॉपुलर ट्रेंड है, यही होता है और यही होना चाहिए कि आप जो गुणात्मक अनुसंधान जब करें तो आप अनुसंधान प्रश्न बनाएं, परिकल्पना न बनाएं. क्यों? He poses a central question which is being examined in the study in the most general form. The broadest question that can be asked in the study. आप ध्यान दीजिए, आप सोचिए कि जब आपने qualitative research के बारे में सबसे पहली बार पढ़ा और आप जो समझते हैं उसके बारे में, क्या समझते हैं आप? कि कोई ऐसा बिंदु है, कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा experience है, कोई ऐसी घटना है जिसके बारे में आप कम पता है, ज्यादा आपको पता नहीं है और आप उसको खोजने जा रहे हैं. ये क्वालिटेटिव मेथड में होता है कि हम कुछ नया निकालें, हम कुछ अलग निकालें, हम कुछ इन डेप्थ निकालें, हम कुछ ब्रॉडर निकालें. तो इसमें हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं. क्यों नहीं बनाते हैं? ये नेक्स्ट वाले पैर में आपको समझ में आएगा. सेवरल यहाँ क्या करते हैं, एक ब्रॉड क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का हमको आंसर चाहिए, यही हमारी रिसर्च है कि हम इस क्वेश्चन के आंसर्स पाएंगे. और उस क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए हो सकता है कि हम कुछ उप प्रश्न भी पूछें. Several sub-questions are raised related to the central question to narrow the focus of the study, but to leave the questioning at an open. पर ये ध्यान देना होगा हमको कि हम open-ended questions ही पूछेंगे. अब इसमें आप जानते होंगे कि open-ended question का मतलब कि उसमें जो respondent है उसका सब्जेक्ट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आप उसका सच जानना चाहते हैं. लेकिन जो क्लोज एंड क्वेश्चन है, हमको किसी का सच झूठ नहीं, हमको सिर्फ पूछना है कि आप कितनी बार करते हैं, आपने ये कितनी बार किया, आप कितनी बार गए, आप कैसे. फ्रीक्वेंसी जनरली हम हाँ नहीं के प्रश्न या कितनी बार, फ्रीक्वेंसी के प्रश्न पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव में, क्योंकि हमको गणना करके निकालना है.
और यहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे, उससे संबंधित कुछ उप प्रश्न पूछेंगे और आप ओपन एंडेड रहेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात से आप समझ जाएंगे कि आप क्यों नहीं क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या है कि द रिसर्चर यूजेस अ हाइपोथेसिस टू कंपोज एंड फोकस द पर्पस ऑफ द स्टडी। यहाँ पर आपको पहले परिकल्पना का निर्माण करना होगा और वही आपके अध्ययन का उद्देश्य हो जाएगा, उस परिकल्पना की जांच। द हाइपोथेसिस नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड बिफोर द डेटा गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन फेज ऑफ द रिसर्च। अगर आप क्वालिटेटिव मेथड को जानते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस साथ साथ चलती है, पर यहाँ पे आपको परिकल्पना पहले से पूरी संरचित परिकल्पना बनानी है, जिससे आप एक बिंदु इधर उधर नहीं हो सकते हैं। आपको डेटा कलेक्शन से आंकड़ों के एकत्रीकरण के पहले बनानी है और आपके इंटरप्रिटेशन फेज के भी पहले बनानी है। अब ये लाइन जो आपको बताएगी कि आप क्यों क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस नहीं बनाते, ये कह रहा है कि आप हाइपोथेसिस कब बना सकते हैं। हम हाइपोथेसिस तब कह रहा है ना कि गैस तो है पर श्रूड गैस है, बेवकूफियत का गैस नहीं है, हालांकि पूर्ण गैस है, यानी कि आप जानते हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा है, बस आप उस पर टेस्ट करेंगे और परिकल्पना का बता देंगे कि इसको सत्यता के साथ स्वीकारा जा सकता है कि नहीं। इसका मतलब कि जो घटना आप अध्ययन करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको ज्ञान है, आपने पढ़ा है, आपके पास कोई हंच है, आपके पास कोई गैस है। लेकिन हम क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, हम क्या मान के चल रहे हैं कि हम एक्सप्लोर करेंगे। इसका मतलब हम अभी अनआंसर्ड हैं, हमारे पास अभी उतना रीजनिंग इनसाइट लॉजिक उस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए नहीं है। तो जब आप बेहतर तरीके से जानते ही नहीं है तो परिकल्पना कैसे बनाएं। परिकल्पना तो कह रहे हैं ना कल, मतलब हाइपोथेसिस है, बिल्कुल बर्बाद चीज नहीं है, थीसिस से थोड़ा ही कम है, बट यहाँ तो हम मान के चल रहे हैं कि हम शून्य में हैं या हम बहुत थोड़ा जानते हैं, और जब हम फील्ड में उतरेंगे तब हमको सारी बातें पता चलेंगी। हम सिर्फ एक मोटा मोटा फ्लेक्सिबल सा फ्रेमवर्क लेकर यहाँ चलते हैं। इसीलिए कह रहा है कि अ वेल ग्राउंडेड हाइपोथेसिस इंडिकेट्स दैट द रिसर्चर हैज सफिशिएंट नॉलेज इन द एरिया टू अंडरटेक द इन्वेस्टिगेशन। एक वेल ग्राउंडेड रिसर्च हाइपोथेसिस तभी बन सकती है जब आप जो एरिया इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं उसके बारे में आपका पर्याप्त ज्ञान हो, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्चर ये मान के चलता है कि उस एरिया के बारे में उसको पर्याप्त ज्ञान नहीं है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, अच्छा यहाँ पे मैंने ये सब नहीं कवर किया है कि हाइपोथेसिस कितने प्रकार की है ना, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि रिसर्च हाइपोथेसिस है कि नल हाइपोथेसिस है कि आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, ये हम नहीं इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ये आप जनरली जानते हैं। इवन नल हाइपोथेसिस पे एक अलग से भी वीडियो है मेरा, आप वहां से सुन सकते हैं। तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे हाइपोथेसिस बनाते समय, एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप और डिफरेंसेस बिटवीन। तो आप मोटा मोटा ये समझिए कि हाइपोथेसिस क्वांटिटेटिव रिसर्चेस की खासियत है, और क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में क्या होगा, वेरिएबल्स की बात होगी, उनके डिपेंडेंस की बात होगी, इंटरडिपेंडेंस की बात होगी, उनके संबंधों की बात होगी। तो यहाँ हमको देखना होगा कि जो चर हैं उनके बीच में क्या संबंध है या क्या अंतर है, और जो चर हैं उनका उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, मतलब आप जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ऑपरेशन करने का मतलब देखिए सिर्फ जो सर्जरी नहीं होता है, जो जनरली हम लोग बात करते हैं ना ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन करने का मतलब आप उस पर ऑपरेट करेंगे, उस पर कुछ करेंगे, उस पर कुछ क्रिया करेंगे, सॉरी हाँ। तो जो ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है जो वेरिएबल आप लेकर चले हैं उसका आपकी रिसर्च में क्या डेफिनेशन है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल है मल्टी डायमेंशनल होते हैं, आप कौन सा पक्ष लेकर चल रहे हैं। फिर हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड फॉलोइंग द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर के बाद आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। द लिटरेचर लीड्स अ रिसर्चर टू एक्सपेक्ट अ सर्टेन रिलेशनशिप, जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, संबंधित साहित्य, वो एक अनुसंधानकर्ता को बताता है कि उसको किस दिशा में जाना है और जो चर लेकर वो अध्ययन करने जा रहा है उनके बीच में किस हद का, किस तरीके का रिलेशनशिप है। उसी तरह से गुड एंड हैट जो है वो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि विदाउट फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस द रिसर्च बिकम अनफोकस्ड। यदि आप परिकल्पना का ही निर्माण नहीं करेंगे तो आपके रिसर्च का कोई फोकस नहीं रह जाएगा, किस दिशा में बढ़े आगे आपको पता नहीं होगा, ये क्या होगा, सिर्फ एक रैंडम इंपेरिकल वॉन्डरिंग रह जाएगी, मतलब आप इधर उधर बस घूम रहे हैं, निकल कुछ नहीं रहा, ना आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। All the results cannot be studied as facts with clear meaning. जो रिजल्ट निकल के भी आएगा उसका भी कोई क्लियर मीनिंग नहीं होगा। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है क्या, ये एक लिंक है, ये एक कड़ी है जो कि थ्योरी और इन्वेस्टिगेशन को जोड़ती है, यानी कि इन्वेस्टिगेट करेंगे तो थ्योरी बन जाएगा अगर टेस्टेबल है और आपने उसको सही पाया तो, विच लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ एडिशन टू नॉलेज।
और इससे क्या होगा, जो ज्ञान का क्षेत्र है, जो ज्ञान का समंदर है, उसमें आप कुछ एडिशन कर पाएंगे। आई थिंक इट इज ओवर। सो एक्चुअली ये इसी के कंटिन्यूएशन में ये टॉपिक था, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस पर डाकर एक साथ जोड़ देती तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको दो भागों में बांटा है। अब इसके कंटिन्यूएशन में जो तीसरा आएगा इस श्रृंखला का वीडियो लेक्चर, वो होगा लिटरेचर रिव्यू पे, ठीक है। तो आई होप कि आप कुछ समझे होंगे परिकल्पना के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सबसे बड़ी बात, आपको रिसर्च करनी है तो परिकल्पना एंड नल हाइपोथेसिस एंड आपका रिसर्च क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, व्हाई विल यू नॉट फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस इन योर क्वालिटेटिव रिसर्च एंड ऑल, नाउ यू कैन बी आंसर्ड। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।